so from we have heard from uh, the allopathic area importance of gut and its role on health so we want to hear from uh, ayurvedic angle so what ayurveda say about a gut and how important it's for our health okay so uh, ayurved mein jo gut ये कहा गया है तो gut एक स्रोतस जो आयुर्वेद में बताए गए हैं हर एक के लिए स्रोतस है जैसे कि रस वह स्रोतस रक्त वह स्रोतस वैसे ही अन्न वह स्रोतस ये आयुर्वेद में बताया है अन्न वह स्रोतस का मीनिंग ऐसा होता है अन्न मतलब जो हम आहार ले रहे हैं और वह मतलब जो वो कैरी करता है वो है अन्न वह स्रोतस तो उसकी शुरुआत होती है मुख से माउथ से शुरुआत होती है उसके बाद इसोफेगस है हमारा स्टमक आता है जठर जिसे बोलते हैं फिर स्मॉल uh, इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम कोलॉन ये इसके बाद सब आता है तो ये माउथ से शुरू होकर रेक्टम तक ये पूरा गट हेल्थ आ जाता है तो गट के बारे में बात करें तो हम डाइजेशन के बारे में बात करते हैं जैसे हम पहले खाना खाते हैं मुख के थ्रू माउथ के थ्रू हम खाना खाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि बत्तीस बार खाना चाहिए खाना अच्छे से चबाना चाहिए तो उसका मतलब है कि ये सलाइवा जो है वो अच्छे से वहां पे मिक्सअप हो जाए सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रेट होती है वो उसके बाद उसका एक बोलस बनता है और वो बोलस जो है हमारे जीआई ट्रैक्ट से स्टमक में जाता है वहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस उससे मिक्स होते हैं जो हम खाना खाते हैं उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वहाँ पे भी जो एंजाइम्स uh, जो गॉल ब्राइडर हमें बाइल्स देता है या फिर पैनक्रियाज कुछ एंजाइम्स देते हैं वो मिक्स हो जाते हैं हमारे स्मॉल uh, इंटेस्टाइन में उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का जो एबसॉर्प्शन uh, uh, होता है या फिर डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है जो कि वहाँ पे जो हार्ड चीज़ें होती है जो डाइजेस्ट नहीं हुई है तो वो डाइजेशन वहाँ पे होता है न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन होता है विटामिन बी ट्वेल का एब्सॉर्प्शन भी वही होता है तो और उसके बाद जो पोषक तत्व है वो लार्ज डिस्टाइन से एब्सॉर्ब किया जाता है और जो अनवांटेड है जो टॉक्सिन्स बने हुए हैं वो शरीर के बाहर निकल जाते हैं थ्रू फिकस तो ये हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है लेकिन आयुर्वेद में ये बताया गया है कि अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे डाइजेशन सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव फायर अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे डिसीजेस में हम देखते हैं कि तीक्ष्ण अग्नि है मंद अग्नि है या फिर विषम अग्नि है कि कहीं भी कभी ज्यादा भूख लगती है कभी कम भूख लगती है तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है वो अग्नि से हम को कर सकते हैं और जैसे मैंने कहा आयुर्वेद में जो दोषो के बारे में कहा है वात पित्त और कफ उसमें से पकवाशय जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वात दोष का मुख्य स्थान कहा गया है अगर वात दोष डिस्टर्ब हो जाता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ब्लोटिंग है कॉन्स्टिपेशन है वो दिखाई देता है पित्त दोष मेनली मेटाबॉलिज्म में काम करता है जो हमारे और uh, एंजाइम्स है सिक्रीशन है उसके ऊपर भूख लगना ये पित्त दोष का काम है और कफ दोष का काम है कि वो अच्छे से अः uh, अच्छे से होना तो ये तीनों दोष ऐसे काम करते हैं लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि लार्ज uh, इंटेस्टाइन जो एरिया है uh, आयुर्वेद में भी ये कहा गया है माइक्रोबियोम जो आजकल टर्मिनोलॉजीज बहुत ये फेमस है जो मॉडर्न साइंस ने भी बताई है लेकिन चरक संहिता में बहुत पहले बताया गया है कि हमारे शरीर में कृमि होते हैं तो क्रूमि में ऐसे नहीं कि जो क्रूम हमें विकार देते हैं वो भी क्रूम होते हैं और जो अवैकारिक होते हैं मतलब जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं जिससे हमें कोई तकलीफ नहीं होती जिसको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं और जो गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुड बैक्टीरिया अगर अच्छे रहते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है शुगर का एब्सॉर्बशन होता है वो हेल्प करते हैं गुड बैक्टीरिया और वहां का जो एनवायरमेंट है ना वो एसिडिक होता है तो अगर गुड बैक्टीरिया का लेवल अगर अच्छा होगा तो बैड बैक्टीरिया जो शरीर में चले जाते हैं तो उसको वो इन्वेड करते उसको वो खत्म कर देते हैं और हम हमें कोई डिसीज नहीं होता अगर कोई भी डिसीज कंडीशन होती है आप अगर आपने देखा होगा कि गुड बैक्टीरिया का प्रमाण कम होने के बाद बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तभी हमें कोई भी डिसीज होता है जैसे आईबीएस है इन्फ्लॉमेटरी डिसीजेस है शरीर इंटेस्टाइन uh, में सूजन आना है या फिर अल्सर्स है ये सारी चीजें जो है बैड बैक्टीरियाज बढ़ने के कारण होते हैं उसमें है ईकोलाय ईकोलाई जनरली सबके पेट में होता है जिसके वजह से हमें बहुत सारे डिसीजेस होता है फूड इन्फेक्शन होता है तो ईकोलाय e. अगर बढ़ता है तभी आपको डिसीज होता है इकोलाय e. अगर नॉर्मल लेवल पे होता है तो आपको डिसीज नहीं होता जैसे टाइफाइड का भी है स्टैफिलोकोकस है टाइफाइड में वही सिम्टम्स दिखते हैं ना आपको जैसे कि आपको वॉमिटिंग हो रही है लूज मोशन हो रहे हैं तो ये अगर वो बैक्टीरिया बढ़ रहा है गुड बैक्टीरिया की संख्या वो कम कर रहा है तभी ये होता है तो ये गुड एक माइक्रोबियम का लेवल जो है नॉर्मल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है गट हेल्थ अच्छा रखने के लिए ओवर टू यू सर या सो थैंक यू डॉक्टर स्मिता फॉर योर डिटेल्ड एक एनालिसिस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबियम एंड गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया के बारे में आपने जानकारी दिए थे

from ayurvedic angle a gut health ka importance care so many people know you as a factory man some people know you as a marketing man some people know you as a assistant to executive chairman and i know you also as a psychotherapist you do a lot of counseling for the people who is in stress and you help them to come uh, bring out from the stress level okay this one you did you are doing a wonderful job for the past 20 years on this area because i also have seen when you talk about stress

ये गट ब्रेन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये ब्रेन है बट ये वाला ब्रेन ये फीलिंग से जुड़ा हुआ है ये इमोशन से जुड़ा हुआ है ये इंटिव अबिलिटी से जुड़ा हुआ है ये तुम्हारे बाकी के बॉडी के हेल्थ प्रोसेस से जुड़ा हुआ है अगर ये हेल्दी है तो बाकी सब हेल्दी है अगर यहां गड़बड़ी होगी तो सब जगह गड़बड़ी होगी तो यूजुअली हमारे आयुर्वेद में हम बोलते हैं कि अगर जिसका पेट सही उसका बाकी सब सही लेकिन जिसका पेट गड़बड़ा गया बाकी सब गड़बड़ा गया सो so, अभी डिएक्शन में वी वी वर having Ganoderma, वर हैविंग एवरी हैविंग एवरीथिंग लेकिन वो प्रोबायोटिक नहीं था हमारा जो अतड़ियों को भी संभाले क्योंकि अगर गेनोडमा का सबसे अच्छा एसेंस निकालना है क्योंकि हम लोग गैनोडोमा लेंगे स्पिरुलिना लेंगे लाइन्स में लेंगे कॉडी सेप्स लेंगे ये सब लेंगे लेकिन इसको पचाने वाले बैक्टीरिया ही नहीं रहेंगे गट में उसको प्रोसेस करने वाले नहीं क्योंकि उसको तोड़ के मतलब उसको अच्छा देखो एक फाइव स्टार होटल बना दो लेकिन अंदर शेफ ही नहीं है अच्छा वाला बुरा शेफ खाना बना रहा है तो अच्छा टेबल कुर्सी सब कुछ रहेगा लेकिन खाना तुम्हें सही नहीं मिलेगा उसके लिए तुम्हारे जो शेफ है ये अच्छे होने चाहिए इसीलिए गट में गुड बैक्टीरिया का होना बहुत जरूरी है और कंबुचा डीएक्शन का कंबुचा इज एन कंप्लीटली हंड्रेड परसेंट लाइव कल्चर ऑफ मोर देन थर्टी टू फोर्टी वेरियंट्स ऑफ गुड बैक्टीरिया इन इट और वो आपके अतड़ियों में जाके घर बनाते हैं बसते हैं और वहां से मल्टीप्लाई करते हैं उनकी बनती है एक पूरी दुनिया बसती है आपके पेट के अंदर आप, आपके ये बसी हुई जैसे बस्ती होती है वो बस्ती में सब काम होता है वहां पे वो बैक्टीरिया अच्छा काम करते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करते हैं आपके टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने का काम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बेवरेज अगर आज की डेट में अगर देखा जाए तो हमारा कंबुचा डीक्शन कंबुचा जिसकी जरूरत हर इंसान को है हर एक व्यक्ति को है या सो थैंक यू डॉक्टर फॉर योर वंडरफुल एक्सप्ले सो दैट मींस गट इज एवरीथिंग अगर गट सही है सो so, सब कुछ uh, सही है ओके okay, सो so, जो भी हम खाते हैं से चीज तो खाते हैं बट उसे डाइजेस्ट करने के लिए गट होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट uh, है तो so, आपने इतना मुझे मोटिवेट कर लिया थोड़ा मैं कंबुचा पी लेता हूं सो <laughs> दैट so टेस्ट वाइस आइसोल्ड दिस ऑज हेल्पफुल फॉर ऑल अवर डाइजेशन प्रोसेस एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल अवर स्ट्रेस लेवल स्ट्रेस लेवल में भी स्ट्रेस को बिकॉज कभी कभी ये मुझे समझ में आ गया जब मैं

So, ये जो हेल्थ है और और इसका न्यूट्रिशन के बारे में राइट सर सो एज योर कंबुचाईन माई अ स्टेपल इन द हाउस होल्ड यानी इसके बगैर हमारा दिन जैसे खत्म नहीं होता है बेसिक हिस्ट्री अबाउट कंबुचा जैसे रंजन सर ने भी यहाँ पर किया, इसका हिस्ट्री थोड़ा टू थाउजेंड इस पुराना है एंड इट इज नॉट कुछ लोग अब इसको ऐसे मानते हैं कि ये कोरियन ड्रिंक है या साउथ ईस्ट एशिया से आया है बट एक्चुअली देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में इसका जो पहले से ही हिस्ट्री रहा है क्योंकि नॉर्थ में इसको कंज्यूम uh, करते हैं कांजी के नाम नॉर्थ uh, में इसको कंज्यूम uh, करते हैं फिर यहाँ पर साउथ में भी इसको कांजी के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं विच इज फॉर्मेंटेड ड्रिंक सो इसका बहुत हिस्ट्री रहा है एंड स्पेसिफिकली अगर कोई न्यूट्रिशन वाइज अगर बात की जाए तो जैसे सर ने अभी मैंशन किया हमारा जो गट है वो हमारा सेकेंड ब्रेन है सारी जो भी हमारे हॉर्मोन्स होते हैं हमारे इंजाइम्स होते हैं एवरीथिंग ऑल ऑफ दिस समवेयर अदर द अदर इज लिंक टू योर गट जब बात की जाती है कि लोगों को वेट मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट होगा यहाँ पर हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन है किसी ना किसी को होगा किसी को वेट लूज करना होगा किसी को वेट गेन करना होगा दोनों में से कोई एक चीज जरूर होगी प्रोबायोटिक्स अपने डाइट में ऐड करना इज वन ऑफ द इजिएस्ट वेज टू लूज वेट बहुत सारे तरीके हैं बट प्रोबायोटिक ड्रिंक अगर आप आपके डाइट में ऐड करते हैं दैट इज वन ऑफ द इजिएस्ट इसके कुछ रीजन है विच आई शेयर रहा हूँ डेफिनेटली सो फर्स्ट ऑफ ऑल बींग दैट जब आप प्रोबायोटिक कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में गुड बैक्टीरिया uh, होता है उससे गुड इंजाइन गुड हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उसके वजह से आपका एपिटाइट सप्रेस हो जाता है जहां पर आपको बहुत ज्यादा बार बार भूख लगती है एक होता है ना कि खाना खा लिया उसके बाद भी क्रेविंग्स हो रही है भूख लग रही है तो उसके वजह से आप जब ज्यादा खाना खाते हो तो ऑफकोर्स वेट गेन होता है तो जब आप प्रोबायोटिक ड्रिंक इंक्लूड कर देते हो अपने डायट में तो उसके वजह से आपकी भूख नेचुरली सप्रेस हो जाती है उसमें कोई और सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है कुछ और चीज लेने की जरूरत नहीं ये आपके अंदर के जो माइक्रोबायोम बैक्टीरिया उसका खाना भी साथ में जब आप खाते हो वो भी आ जाता है और ये उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है तो ओवरऑल ये आपकी भूख कम करने में हेल्प करता है लोगों को एक बहुत होता है कि बार बार शुगर की क्रेविंग होती है या कुछ फिजी या डाइजेस्ट करने के लिए यू you नो know, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है मीठा सो यहाँ पर ये इसका जो टेस्ट है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ही यू नो स्वीट सा टैंगी सा टेस्ट है विच ऑफकोर्स काफी लोगों को भाता है तो जहां पर हमारे मार्केट में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जिसमें अराउंड थर्टी ग्राम शुगर होता है आजकल बहुत बड़ा एक कैंपेन भी चल रहा है कि उसके अंदर कितना शुगर इंक्लूडेड होता है दिस बिकम्स अ गिल्ट फ्री शुगर फ्री ड्रिंक इन दैट सेंस जो शुगर है वो भी बैक्टीरिया आपका डाइजेस्ट कर देता है इनिशियली इन साइड सो देन इट इज ऑफकोर्स एन एडेड बेनिफिट शुगर फ्री है साथ में जो स्कोबी होता है जो ऊपर तैर रहा होता है आई थिंक मैं जब बॉटल चूज करती हूँ ना मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ कि किसमें सबसे ज्यादा स्कूबी है एंड आई मेक श्योर जो नीचे मिला हो उसको भी आई शेक एंड आई यूज इट बिकॉज वो स्कूबी बहुत ज्यादा जरूरी है वो बेसिकली लेयर्स है जिसके अंदर फाइबर्स बने हुए हैं और ये बॉडी के लिए गट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है आपका पाचन क्रिया बेस्ट हो जाता है एंड ऑफ ऑफकोर्स ये कोई जब आप वेट लॉस की बात करते हैं तो ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि यहाँ दिन में इतना इतना वजन कम करने ये आपको हमेशा आता है कि लोग मेंटेन करें वेट को यूजली आप देखते हो कि लोग एट्टी के जी सिक्सटी के जीस लूज कर लेते हैं लेकिन फिर वो गेन बैक कर लेते हैं अगर आपको मेंटेन रखना है तो ऐसी कोई चीज आपके डाइट में कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए रोज होनी चाहिए क्योंकि ये फूड है आपके अंदर के मतलब अंदर के बैक्टीरिया के लिए फूड है अंदर बैक्टीरिया जाने का भी एक तरीका है बेसिकली सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एंड काफी ज्यादा इसका न्यूट्रिशन डेंसिटी है तो उस हिसाब से इसको लेना चाहिए प्लस अगर क्वेश्चन आता है कि यू you नो know, डायबिटिक्स के लिए लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो देन इट इज अ सेफ ड्रिंक क्योंकि पाया गया है कि दिस आप ये जाने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है बॉडी में जहां पर लोगों को तकलीफ आती है शुगर लेवल्स मेंटेन करने की ये अगर आप कॉन्स्टेंटली लेते हैं तो उससे उस चीजों में भी हेल्प होती है सो ओवरऑल ऑन अ न्यूट्रिशन बेसिस अगर देखा जाए तो ये एक ड्रिंक है विच शुड डेफिनेटली बी इन योर डायट अगर आपको एक गुड हेल्थ मेंटेन करनी है तो या वंडरफुल वंडरफुल थैंक यू फाइनली सो नाउ वी कैन फ्रॉम रंजन वी हर्ड द रोल ऑफ कंबुचा इन आवर एंटायर डाइजेशन ट्रैक एंड वी हर्ड फ्रॉम डॉक्टर स्मिता ये जो गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया के बारे में एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंबुचा ऑन बैक्टीरियास ए भी हम बात कर रहे थे

so our good bacteria is the hero so now yeah. how to increase this good bacteria? doctor yeah before i answer that question uh, one point i would like to mention that our ga tract is a unique uh, system when you when you see the stomach the acidity is very high it's around uh, 2 2.5 the ph is very high and immediately in the small intestine in the jejunum right it is it's alkaline very much alkaline so the food has to travel from the acidic to the alkaline path so to facilitate the digestion food uh, the, the food digestion in the stomach in a high acid environment and also uh, the uh, rest of the food, which is uh, uh, which is digested in the alkaline, alkaline medium, so it's a, it's a very tricky situation or a unique situation where you know the uh, our food is processed and digested. So to aid that part of the digestion, there are bacteria present in our alimentary system, especially in the small intestine. And the large intestine. So, what is the source of uh, good bacteria? Uh, it's generally said that uh, the green leafy vegetables, uh, fruits, whole grains—they uh, are good for uh, to produce good bacteria because they are all called as uh, prebiotics. So, prebiotics are food and food supplements which can help in the production of probiotics. Now, the probiotics are live microorganisms and microbes which are called, which are it can be bacteria, uh, viruses, fungus. So, uh, they help in the uh, digestion. You uh, uh, if there are bad bacteria which can also cause uh, damage to our alimentary system one common uh, situation you know uh, everybody will know that the h pylori h pylori present in the stomach can cause inflammation and cause ulcers and and you know you know it, it can lead to chronic uh, inflammatory diseases so uh, the good bacteria has to be uh, produced in the uh, food and food supplements, what we eat. So as I mentioned, uh, the alkaline foods in general, they are good, and they can help in uh, producing uh, good bacteria. Uh, apart from that, the source of good bacteria, you uh, say, the yogurt. Cheese, uh, fermented milk products, and kombucha. These are all the four or five powerful uh, food and food supplements which are the, the primary source of our good bacteria. So, once the good bacteria uh, is there, they are produced in our gut. Uh, we, are, we, are, we are sure that our gut health is preserved. And more than that, our food is uh, processed, digested in an appropriate way, and the, all the nutrients are uh, available for absorption. And there may be problems in the absorption also because of the chronic uh, intestinal diseases. So the gut has to be healthy to absorb that uh, nutrition, good nutrition. So uh, it is generally said that, you know, uh, the as I mentioned earlier, the, the there's a good source of uh, uh, the, the prebiotics. They have we have to consume daily. For example, South you know uh, the uh, the probiotic food is uh, rice kanji, very healthy, very nutritious, and it contains a lot of probiotics. So, uh, in my opinion. Uh, we are used to taking uh, the uh, prebiotics on a protein basis in the form of buttermilk or curd. So that will encourage our, our uh, good bacteria population in our j tract. Yes, sir. Okay. okay, thank you, thank you, doctor. Thank you very much uh, on uh, having a short and sweet explanation on this uh, good bacteria. So, uh, Dr. smitha ट इज द रोल ऑफ गुड बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया क्या करता है और हमें क्यों चाहिए और ये कहां पे रहता है okay? और ये गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में हम क्या क्या कर सकते हैं और कंबू इसमें क्या रोल प्ले करता है प्लीज आप थोड़ा इसमें इंफॉर्मेशन शेयर आप, आप हो तो आ, ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं थोड़ा डाइजेशन के बारे में और बताना चाहती हूँ तो जैसे आपने देखा होगा कि ये सब डाइजेशन प्रोसेस हो जाती है उसके बाद न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन हो जाता है बॉडी के अंदर तो न्यूट्रिय का जो एबसॉप्शन होता है उससे पहले बनता है प्लाज्मा प्लाज्मा जिसे हम रस धातु भी कह सकते हैं तो प्लाज्मा के बाद ये प्यूरिफाइड प्लाज्मा बनता है ब्लड में और ब्लड मतलब रक्त धातु और उसके बाद वो धीरे धीरे एक एक धातु बढ़ता जाता है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र तो ये जो प्रोसीजर है जो बन रही है प्यूरिफाइड प्लाज्मा से ब्लड बन रहा है प्यूरिफाइड ब्लड से फिर मांस बन रहा है मसल्स बन रहे हैं अच्छे फैट्स बन रहे हैं तो ये जो प्रोसीजर है तो ये सारे प्रोसीजर को लगभग आयुर्वेद संहिताओं में ऐसा बताया गया है कि ट्वेंटी डेज लगते हैं जब आपके सप्त तो धातु बनते हैं और सप्त तो धातु का सार बनता है तो 28 डेज आपको अच्छे पोषण लेना बहुत जरूरी है मतलब कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं ना मुझे कि हम मैंने सेफ्रॉन टी ले लिया आज तो मेरा स्किन कैसे अच्छा नहीं हो रहा तो ये ऐसा नहीं होता कि आज आप कुछ अच्छा ले रहे हो स्किन के लिए और दूसरे दिन ही आपकी स्किन अच्छे से अच्छी बन रही है तो इसके लिए टाइम लगता है आपको इतने दिन लेना पड़ता है तो ये एक डाइजेशन और हमारे न्यूट्रिशन पूरे बॉडी को और पूरे धातुओं को लगने लगते हैं इतना टाइम तो गुड बैक्टीरिया का रोल इसमें यह है कि जैसे विटामिन का सिंथेसिस विटामिन सी है या फिर विटामिन बी का सिंथेसिस है वो हमारे गुड बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं साथ ही में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत अच्छा होता है जो हमारे कंबुचा में एसिटिक एसिड में जो एसिटिक एसिड होता है तो उसमें उससे ग्लूकोरोमिक एसिड तैयार होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं उसका रिमूवल बहुत अच्छे तरीके से होता है और अगर टॉक्सिन शरीर के बाहर अच्छे से जा रहे हैं तभी आपका अग्नि अच्छा रहेगा राइट क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है सभी रोगों का कारण मंद अग्नि ऐसा है आयुर्वेद में एक श्लोक भी है रोगाहा सर्वेपी मंदेग्नो इसका मतलब है सभी रोगों का कारण मंद अग्नि है आपका जठर अग्नि अगर कम होता है तभी सभी रोग आपको होते तो डाइजेशन अच्छा रहना ये हमारे बेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूवल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है उनका अग्नि अग्निमंद रहता है मतलब उनको भूख अच्छे से नहीं रह लगती डाइजेशन अच्छे से नहीं होता जब पेशेंट हमारे पास आता है तब पहले हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं उनको डिसीज कोई भी हो उनकी पहले हिस्ट्री ली जाती है डाइजेशन के बारे में मतलब भूख आपको अच्छे से लगती है क्या पेट अच्छे से साफ हो रहा है क्या ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद में जो दशविद परीक्षा बताई गई है उसमें ये लेना तो गुड बैक्टीरिया हमें न्यूट्रिय एबसॉर्प्शन में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं और इम्यूनिटी में भी बहुत अच्छी हेल्प करते हैं क्योंकि जो गट की इम्यूनिटी होती है वो सबसे स्ट्रांग इम्यूनिटी होती है हम सब कुछ खाते हैं जो गट में चला जाता है और उसके तो बाद ही डिसीजे आते हैं जिसको डिसबा कहा जाता है जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैड बैक्टीरिया का डिसबैलेंस होता है तो डिसोसिस से ही सारे डिसीजेस होते हैं जैसे शुरुआत होती होती है एब्डोमिनल ब्लोटिंग से है या फिर हेयर फॉल हो रहा है कोई किसी को स्किन डिसीजेस हो रहे हैं तो ये लिस्ट बढ़ती जाती है धीरे धीरे वो क्रॉनिक स्टेजेस पे चला जाता है जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया या फिर कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं तो ये सारे डिसबैलेंस होती है ये दोनों गुड बैक्टीरिया का लेवल अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल ये बहुत सारे फैक्टर्स इस पर अफेक्ट करते हैं जैसे कि स्ट्रेस लेवल्स है या फिर आपका डायटरी हैबिट्स है या आपका एन्वायरमेंट जहाँ पे आप रह रहे हो वो भी डिपेंड करता है आजकल लोग जंक फूड भी बहुत ले रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें भी आप ले लेते हो वो भी हार्मफुल है हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए अगर आप गुड बैक्टीरिया कम होते जा रहे धीरे धीरे तो मेरा कहना यही है कि आप गुड बैक्टीरिया का बैलेंस मेंटेन करने के लिए कम्बुचा जो हमारा बहुत अच्छा सोर्स है गुड बैक्टीरिया का स्कोबी का वो आप डेली कंज्यूम करे तभी आपका गट एनवायरमेंट जो है ना वो अच्छा रह सकता है तो और इसमें बाकी भी कुछ प्रोबायोटिक के ऑप्शन होते हैं हमारे इसमें जैसे हम पिकल्स खाते हैं लेकिन वो हम ज्यादा नहीं खा सकते वो भी एक प्रोबायोटिक का ऑप्शन है या फिर कर्ड और दही जिसे कहा गया है लेकिन बहुत सारे लोग या फिर न्यूट्रिशनिस्ट भी फहिला को पता होगा कि न्यूट्रिशनिस्ट कर्ड खाने के लिए कहते हैं लेकिन दही आयुर्वेद में निषिद्ध कहा गया है इंडिकेटेड कहा गया है बहुत सारे डिसीजेस में क्योंकि दही पचने में बहुत हेवी होता है और शरीर में कहीं पे भी सूजन है वो बढ़ा देता है तो दही हर एक के लिए नहीं है इसीलिए सबसे सेफेस्ट हमारे पास ऑप्शन है कंबूचा जो हम डेली अगर कंज्यूम करते हैं तो भी हम बहुत सेफ होता है और वो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव ही करेगा प्रोबायोटिक्स के बहुत सारे ऑप्शन है साथ ही हमारे पास प्रीबायोटिक्स भी है जैसे कोकोनट शुगर है प्रीबायोटिक्स मतलब जो गुड बैक्टीरिया हम ले रहे हैं कंबुचा के थ्रू और जो हमारे गट में गुड बैक्टीरिया है उसका खाना जिसको हम प्रीबायोटिक कहते हैं तो जैसे कोकोनट शुगर है हमारे यहाँ या फिर जैसे जागीरी है कट चिली विनेगार है तो विनेगर भी बहुत अच्छा प्रीबायोटिक का काम करता है तो ये सारे जो हमारे अच्छे प्रीबायोटिक का भी सोर्स है और प्रोबायोटिक का भी सोर्स है रिएक्शन में तो हम सबने उसको इंक्लूड करना चाहिए डाइट में yeah, you, so about, uh, <coughs> आप, के बारे में बात कर रहे थे सो so या yeah, एक कंक्लूजन हम आ सकते हैं जब हमारा डाइजेस्टिव और हमारा गट हेल्थ सही रहता है सो ये अवर बॉडी कैन बी हेल्थी और सारी डिजीज का जो रूट है वो वहां से ही पैदा होता है

बनाना है एक चार दिन के बाद वो मर जाता है ओके लाइक ऑल ऑल योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट दिस इज लाइव फूड बट वो मर जाता है बट एक फूड है जो लिविंग फूड वो जिंदा ही रहता है बिकॉज उसमें ही ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सो दिस लिविंग फूड इसमें ज्यादा प्राण रहता है ज्यादा एनर्जी रहता है जो हमारा प्राण के लिए पूरा शक्ति देता है ऐसा लिविंग फूड है ये हमारा कम्बुचा बिकॉज इसका अंदर जो लाइव ऑर्गेनिज्म जो लाइव बैक्टीरिया अभी भी जिंदा है जो ग्रो होता है जो फर्मेंट करता ही रहता है जिसे हम बोलते हैं स्कोबी इसका अंदर जो लेयर हम देखते हैं कुछ लोग तो रिपोर्ट भी करते हैं सर कंबुचा के अंदर कुछ दिखता है यू नो दैट इज इंपॉर्टेंट ये जो है वो है वो बैक्टीरिया का जो घर है उससे खाना अगर आपका कंबुचा में वो मिल गया यू आर लकी दैट मीन्स आपको बहुत अच्छा कंबुचा मिल गया है वहां पे यूजुअली वो नीचे सेटल हो जाता है यू हैव टू शेक इट वेल सो दैट यू कैन हैव इट एक नाइस आपका वो स्कोबी वो लाइवलीफूड आपको मिल जाता है

Uh, तुम्हारा स्टमक जो है ये एक काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टिव सिस्टम है जहाँ एसिड बनता है तो किसी भी बैक्टीरिया को अंदर तक जाने के लिए अलाउड ही नहीं है वो बॉडी के अंदर जाना क्योंकि वहां पे प्रोटेक्शन और स्टेरिलाइजेशन हो जाता है वो एसिड मार देता है सब चीजों को ये uh, कंबुचा जो है कम्बुचा में स्पेशली अगर आप देखोगे तो हमारा जो गुड बैक्टीरिया है ये एसिडिक एनवायरमेंट में ही ग्रो हो रहा है तो वो जब जाता है तो उसमें से सपोज नाइन्टी परसेंट भी जला जाता है अगर एसिड मार रहा है तो दस परसेंट कहीं से बच के निकल जाता है और वो जाके गट में बैठ जाता है तो इसीलिए इसका नित्य सेवन करना बहुत जरूरी है मतलब बार बार सेवन करना जरूरी है सबसे अच्छी चीज कैसे खाना चाहिए जब खाना खाते हो तो खाने के साथ अगर पियोगे तो ये अच्छी तरह चांसेस उसके अच्छे बैक्टीरिया के जाना बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसलिए खाने के साथ हमेशा ना मैं जैसे बोलता हूँ कि आप लोग कुछ कुछ लोगों को लो पानी पीने की आदत होती है कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं मैं बोलो वो सब छोड़ो खाने के साथ कंबुचा का एक ग्लास भर के आपने पीना ही चाहिए अगर आपको गेट गट को हेल्दी रखना है तो इसको आपको एटलीस्ट मिनिमम नाइन्टी डेज तक आपको एक साइकिल पूरा करना पड़ता है ताकि आपके गट में एक अच्छा नंबर ऑफ कॉलोनी बने और आपकी हेल्थ इंप्रूव हो तो मिनिमम मैं बोलता हूँ ये हैबिट

एटलीस्ट सुबह के ए, खाने के साथ या शाम के खाने के साथ इसको लेना जरूरी है टू बॉटल्स तो ले लोगे तो इसका बेनिफिट आपको जबरदस्त मिलेगा ओह थैंक यू डॉक्टर सो दैट मींस एटलीस्ट एक थ्री मंथ्स कंटीन्यूअसली हम लेंगे सो so, हमारा जो गुड बैक्टीरिया उसका जो काउंट है वो बढ़ जाता है हमारा डाइजेस्टिव इसमें डॉक्टर स्मिता और एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये जो मार्केट में वेरियस कंबुचा अवेलेबल रहता है वो बोलते हैं देन इस कुछ कंबुचा बोलते हैं हमारे पास इसमें आ, दस स्ट्रेन है ट्वेंटी स्ट्रेन है या पंद्रह स्ट्रेन है ये स्ट्रेन क्या है और ये पैस्चराइजेशन क्या है और हमारा जो डीएक्शन कंबुचा दूसरे कंबुचा से अलग क्यों है सो डॉक्टर ओके तो अः जो डिएक्सन कंबुचा है तो हमें अनपास् मिलता है जो ट्रेडिशनल मेथड होती है कंबुचा बनाने की जैसे कंबुचा की हम हिस्ट्री देखते हैं डॉक्टर कंबु ने वो बनाया था तो जो ट्रेडिशनल मेथड है वही हम अप्लाई करते हैं हमारा कंबुचा बनाने में अनपाश्चराइज मतलब जो भी बैक्टीरियाज हमारे गुड बैक्टीरिया है वो वैसे ही हमें मिलते हैं और उसके अंदर हमारा स्कोबिका लेयर भी होता है मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस चलता ही रहता है तो बहुत सारे हम बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि अब बाकी के भी कंबुचा है लेकिन बाकी के कंबुचा को क्या होता है कभी मार्केट में वो पॉस्चराइज कंबुचा होते हैं पॉस्टराइज मतलब क्या होता है लोग आजकल कमर्शियल जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कंबुचा वो पॉस्चराइज करते हैं इस वजह से कि वो फर्मेंटेशन प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है एक तो पॉस्चराइज करने से और फर्मेंटेशन फास्ट होने की वजह से वो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर कर पाते हैं और वो बहुत कम टाइम में बन जाता है तो ये सारे कॉस्ट वगैरह भी उससे कम हो जाती है तो ये सारी चीजें हैं लेकिन अगर अम्म पास्चराइज में कुछ एक सटन uh, टेम्परेचर दिया जाता है सिक्सटी टू सेवेंटी डिग्री या अप टू 80 डिग्रीज भी दिया जाता है और उसके बाद फिर कंबुचा फील किया जाता है तो उसका कुछ भी मतलब नहीं है जैसे कि आप कुछ तो uh, शुगरी ड्रिंक पी रहे हैं या फिर फीज वाला ड्रिंक पी रहे हैं उससे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा क्योंकि उसके अंदर जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइव माइक्रोव जो हमें जरूरी है बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया वो हमें मिलते नहीं है अगर हम बाकी कंबुचा लेते हैं अगर आप आ, आ, हमारा कंबुचा देखते हो तो उसमें आपको स्कोबी नजर आता है और बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि स्कोबी का फर्मेंटेशन ये बढ़ता ही रहता है स्कोबी की साइज बढ़ती रहती है है जैसे जैसे फर्मेंटेशन बढ़ता है, तो ये बहुत ही अच्छा है अगर आप आ, जिसका पर्पज प्रोबायोटिक ड्रिंक अन कंबुचा ही होता है और जो आ, आ, हमारे पास है डीएक्सिन कंबुचा रफीक मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगा अगर प्लीज डॉक्टर कि देखो आ, अभी जैसे आ, आपने सवाल पूछा कि बाकी के लोग अनपेस्राइज बेच रहे और मतलब पैश्चराइज बेच रहे हैं और हम अनपैस्चराइज क्यों बेच रहे हैं देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ये लाइव ड्रिंक है अलाइव है इसमें बैक्टीरिया है तो इसके साथ चैलेंजेस आते हैं कभी कभी इसकी मिठास ज्यादा रहती है कभी खटास ज्यादा रहती है कभी टर्बिडिटी चेंज हो जाती है कभी फिज होता है कभी नहीं होता है ये ये जिंदा किसी भी जिंदा चीज का ये लक्षण होता है कि वो परमानेंट नहीं होती है समझ में क्योंकि वो बदलती रहती है देखो प्लास्टिक का आ, मैंगो प्लास्टिक का मैंगो जिंदगी भर वो ऐसे ही रहेगा जैसे बना है लेकिन असली मैंगो कुछ दिनों के बाद सड़ेगा टेस्ट अलग होगा तो हमारा जो बॉटल है कंबुचा का ये लाइव बैक्टीरिया है इसलिए हमने देखो पिछले एक साल में कितने कंप्लेंट सुने सर इसमें ये है टेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें फिश कम है इसका कलर में प्रॉब्लम है हजारों कंप्लेन सुने क्योंकि ये जिंदा है जिंदे इंसान का ही कंप्लेन करते हैं मोरदे हुए का इंसान का कोई कंप्लेंट नहीं करता तो हमारी बॉटल जिंदा है इसलिए कंप्लेंट आएंगे कंप्लेंट आना ये अच्छी साइन है क्योंकि हम किसी जिंदा चीज के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन जो बाकी के कंबुचा है जिनको कमर्शलाइज करना पड़ता है ये इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनकी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कि टेस्ट मेंटेन हो उसमें जो भी फिज डाला हो वो मेंटेन हो ये सब चीज के लिए वो लोग उसको पेशराइज करते थे, तो मार देते और उसको प्लास्टिक का बना देते हैं अभी आप डेड कुछ नहीं तो जैसे डॉक्टर स्मिता ने कहा कि आप कुछ नहीं सिर्फ शक्कर का यूनो ये फीज वाला पानी पी रहे हो उसमें कुछ नहीं है क्योंकि आप वो जिस चीज से बनी है वो चाय पत्ती जिससे आपने वो बनाया उसमें से क्या न्यूट्री निकालोगे कुछ है नहीं उससे तो चाय पी लो यार डीएक्शन की टी वो दे देगी आपको लेकिन आपको अगर बैक्टीरिया चाहिए असली जिंदा बैक्टीरिया चाहिए तो डीएक्शन का कंबुचा के सिवा मेरे मुझे नहीं लगता मार्केट में कुछ है या सो डॉक्टर ये लाइन में मुझे भी एक कंसिस्टेंसी के बारे में जो भी पूछना था बिकॉज इट्स अ वे इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन मार्केट से आ रहा है सर इसमें देखिए पहले जैसा फिश था अभी फिश नहीं है कलर है कलर नहीं है ओके okay? वो इसमें स्वीट था इसमें स्वीटनेस नहीं है ये सारी चीज एक कंसिस्टेंसी अह uh, क्या इसे हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं या ये चेंजेस रहेगा ही रहेगा इस पे क्या मुझे एक बता रफीक एक मां सेम बच्चा दो बार पैदा कर सकती है क्या नहीं ना वो इस तरह ये जिंदा है इसकी में कुछ हम चैलेंजेस आएंगे वो चैलेंजेस को हम प्रूव करें लेकिन हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जिसमें कुछ नहीं एक चीज गारंटी है इसमें गुड बैक्टीरिया है क्योंकि उतने दिन का फर्मेंटेशन हमारे फर्मेंटैंक फर्मेंटेशन टैंक में होता है इसकी क्वालिटी चेक होने के बाद ही जाता है बाहर कुछ चीजें जो एक्सपीरियंस होती है जैसे हम लोग सेंसरी बोलते हैं जिसमें फेस का आना जाना सीजन के सीजन बदल जाता है जैसे अभी ठंडी का मौसम आएगा या बारिश का मौसम आएगा टेम्परेचर गिर जाता है बैक्टीरिया जैसे मल्टीप्लाई होते थे वो इतना नहीं होता है वो स्लो हो जाता है तो ये इस सीजन में जब बनता है कंबुचा या जो फर्मेंट होता है वो बोरा स्लो होता है तो शायद ये सीजन का बैच जब मिलेगा तो आपको लेस फिज वाला मिलेगा कभी कभी आपको उसमें फिर जब लेस फिज होती है तो बैक्टीरिया स्लो ग्रोथ होता है तो शक्कर ज्यादा लगेगी ऐसा लगेगा टेस्ट में ज्यादा है समर सीजन वाला बहुत ज्यादा फिजी हो सकता है कि बॉटल फूट जाए और बॉटल फूट भी जाती है लेकिन सबसे पता खट्टा भी लगता है तो उनको लगता टेस्ट चेंज हो गया। तो भी दिखती है किसमें कम दिखती है ये सब क्योंकि वो जिंदा है और यही हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है इसी को चीज को लेके बेचना चाहिए इसी को ली चीज को लेके आपने प्रमोट करना चाहिए yeah, so doctor, जब एक कंबुचा फैक्ट्री से बाहर आता है ऑलरेडी ये फर्मेंटेड हो चुका होगा बिकॉज यहाँ पे वो पीरियड या सर्टेन पीरियड वहां पे स्टोर करने का बाद ही ये बाहर आता है ओके सो दैट दीन्स ऑलरेडी फर्मेंटेशन इसमें हो चुका है दैट गुड बैक्टीरिया ऑलरेडी इसमें है देन ये जो इसका फिजीनेस है इसका टेस्ट है इसका जो कलर है ये सब्जेक्टिव है ओके okay? उसका और इसका फर्मेंटेशन में और बैक्टीरिया का साथ कोई लेना देना नहीं है ओके सो दैट मीन्स अगर फिजीनेस थोड़ा कम रहेगा इसका मतलब नहीं है उसमें बैक्टीरिया नहीं है बैक्टीरिया जरूर yeah. है विदाउट बैक्टीरिया आएगा ही नहीं बाहर बिकॉज हमारा जो टैंक है जब सारी व्यूअर्स ने भी देखा था तो कंबुजा का जो टैंक है वो टैंक में बैक्टीरिया को भी वहां से पैदा होता है सो दिस इज वेरी क्लियर डॉक्टर इन फ्यूचर वी विल ऑल्सो हैव दिस वर्ड इन आवर माइंड सो जब भी हमारा कंज्यूमर जो है हमारा कस्टमर जब भी क्वेश्चन पूछता है वी विल टेल देम इट्स अ लाइव फूड ओके सो वी विल आस्क देम द सेम क्वेश्चन एक मां दो सेम बच्चा फायदा करता है क्या वेरी गुड हां ओके ओके फाइन सो ए डॉ मिस फाइला एक क्वेश्चन आपसे एक कंबुचा वी आल्सो हर्ड एक कंबुचा हमारा जो ब्यूटी uh, में भी काम करता है सो so, आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे यस uh, डेफिनेटली yes, तो देखा जाए तो स्किन केयर एक बहुत बड़ा मार्केट है एंड टुडे लॉट ऑफ पीपल कम अप विथ कोलेजन या च्यूएबल्स या कुछ ऐसे कैप्सूल्स लेके आते हैं जहां से आपका कोलेजन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो बेसिकली स्किन में हेल्प हो यहाँ पर अगर देर इज अ वेरी क्लियर थिंग दैट अगर आपका गट हेल्दी है तो आपका स्किन हेल्दी है ये बहुत एक क्लियर डिस्टिंक्शन होता है तो उसी तरीके से अगर आपको आपके बैक्टीरिया को अच्छा मतलब आपको आपके गट को हेल्दी रखना है तो उसमें आपको बैक्टीरिया भी डालना चाहिए और जो उसका खाना होता है वो भी तो बोथ ऑफ देम टुगेदर विल डेफिनेटली हेल्प कि वहां पर कुछ ऐसे आ... इन्जाइम्स या हॉर्मोन्स रिलीज हो ऐसे कोलाजेंस रिलीज हो जो आपके स्किन हेल्थ में भी ज्यादा बेटर हेल्प करेंगे इन दैट सेंस सो अगर जो इसी चीज पे कोई फोकस करना चाहता है तो अगर वो कंटिन्यूअसली अपना एक चैलेंज जैसे ले लें कि हमें 90 डेज बैक्टीरिया कंज्यूम करेंगे कंबुचा कंज्यूम करेंगे या थर्टी डेज या सिक्सटी डेज हाउ एवर इट इज एंड देन दे केन चेक कि उनके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड वो चेंजेस इसी से होंगे कि उनकी स्किन क्लियर हो जाएगी क्योंकि बैक्टीरिया का जो प्रोडक्शन होता है जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड रिलीज होते हैं उसके लिए भी हेल्प करता है स्किन क्लियर हो जाएगी ज्यादा एनर्जी लगेगी अः uh, साथ ही साथ वेट ड्रॉप हो जाएगा फैट जो होता है एक्स्ट्रा फैट अक्यूबुलेशन होता है वो सारी चीजें कम हो जाएगी एंड हम ब्यूटी को उसी तरीके से चैनलाइज करते हैं जब एक पर्सन ज्यादा यूथफुल दिखने लगे फ्रेश दिखने लगे यंग दिखने लगे फ्रॉम द स्किन सो दिस इज अ साइन दैट कंबुचा और द बैक्टीरिया और द गट हेल्थ ऑफ योर सिस्टम इज वेरी वेल अच्छा काम कर रहा है एंड दिस ऑफ कोर्स इंश्योर्स कि आपकी ब्यूटी भी परफेक्ट रहे इसके लिए कोई और ट्रीटमेंट्स या बाहर की चीजें करने की जरूरत नहीं है आप इंटरनली कंज्यूम करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा बॉडी के लिए या या पहला जब व्हेन वी टॉक अबाउट स्किन हेल्थ मुझे ये याद आता है डॉक्टर लिम यूज्ड टू टेल जब ज्ञानोथेरेपी सेशन में डॉक्टर लिम यूज्ड बोलते थे वॉट इज गुड फॉर यूर स्टमक इज गुड फॉर यूर फेस यू ऑलवेज यूज टू टेल अगर आपका पेट के लिए कोई चीज अच्छा है तो आपका स्किन के लिए हंड्रेड परसेंट वो अच्छा है तो पेट के लिए जो भी अच्छा रहेगा तो आपका स्किन को वो अच्छा करेगा ही करेगा सो ये ये थियरी से भी आपका ये जो चीज है दैट मींस इफ दिन खम्बुचा हमारा गट के लिए बहुत अच्छा है सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्प्रूव अवर स्किन ऑल्सो बट एक दिन में नहीं कंटिन्यूसली एटलीस्ट डॉक्टर राजेश बोल रहे थे एक कोर्स एटलीस्ट एक तीन महीना अगर हम पीएंगे सो so, इस ये तीन महीना पीने से क्या क्या फायदा होने वाला है नंबर वन आपका स्किन टेक्सचर बदलेगा और नंबर टू आपका वेट मैनेजमेंट अच्छा रहेगा और नंबर थ्री आपका गुड बैक्टीरिया यहाँ पे ज्यादा होना होगा तो सो so आपका डाइजेशन और का वो पेट हजमी है वो गैस फॉर्म होना ये सारी चीज खत्म होगा

so now uh, to conclude this one so dr, uh, ranjan, yeah, dr. ranjan yes yes yeah. yes mr rafi rafi doctor ranjan please yeah, give some uh, tips on uh, kombucha and uh, how to conclude this one your final words for the viewers uh, i mean uh, kombucha is an uh, excellent uh, product in the sense that you know i have been using it ever since it was introduced my personal experience and it has solved my uh, digestion problem and also the gaseous distension. As you get old, you know that your dig digestion process comes down, your capacity comes down. So, it is good for the uh, children also. I'm sure it will help in the digestion of uh, the food what our children are used to. Because nowadays the junk foods, you know, all of us take once in a way it's okay, but all the uh, so-called the junk foods they injure our alimentary system, and it's uh, very difficult for us to uh, digestive system to uh, digest that uh, food. So it is better that we generally avoid those uh, inflammatory foods and uh, stick to uh, good good uh, food and food supplements so 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 called the non inflammatory foods as i mentioned uh, you know the, the fruits and vegetables and uh, milk products fermented foods all these things are good for our gastrointestinal system and kombucha i think it's a good product for us to market also because it's a very powerful product and we, we must also realize that you know just having a uh, one bottle of kombucha is not going to solve the problem as uh, dr savera said it's uh, uh, 90 days we must uh, allow the Kombucha to give us uh, the enough number of uh, uh, species of the microbiomes and also the concentration of the microbiomes in our alimentary tract so that we get the full benefit out of kombucha. Uh, I would like to ask a question to Dr. Savera because I read somewhere that. Uh, uh, kombucha, depending upon the, the fermentation process, uh, the species, the, the microbe species can vary, and the concentration also can vary, and also the alcohol content. so i think it's uh, very important that uh, a quality kombucha should have uh, different species of uh, good bacteria. Uh, and uh, secondly enough concentration uh, to build our uh, uh, the, the number of uh, bacterial bacteria in our gut and also uh, the accepted level of uh, the alcohol content so dr savera yeah so good question you know uh, and me and dr lim when we were discussing about this uh, we were, uh, uh, you know, what insight he gave me is we are a biotechnology company, you know. We are just not a, a, a cultivating product company and then processing company we are a biotechnology company and we uh, are masters uh, especially under the uh, guidance of Dr Lim these biotechnologists uh, they work on the bacteria the type of bacteria we isolate the non alcoholic uh, fermenting bacteria within the kombucha and we are trying to separate out and create a very different species of that so our kombucha is specifically, specifically processed through a you know a controlled kind of bacterial uh, growth that we have, the yeast, the bacteria, all these together, we have a very different species that we are uh, processing year after year, every batch after batch, so that the non-alcoholic, the good bacteria are with us. and then we use that uh, mother culture as a source to make sure that the next batch is made. Uh, so over a period of, you can say generations to generations, our kombucha is just getting better. so one batch after the other, the batch is just getting better in terms of the quality of bacteria that we are actually processing so one answer of yours that yes one day dxn will come up by isolating completely new set of good bacteria that can produce and ferment the kombucha without even producing a little bit of alcohol also so that is our journey in the process as we grow second is when you talk about the bacteria, the three main special bacteria that you see the acetobacteria that we have in our uh, kombucha actually helps to give that acidic acid taste you know the sour taste and it's really really uh, you know uh potent enough to do that at a very short period of time it can process that the second we have the glucobacter which is so powerful the glucobacter that it can process the sugars and give you a uh, carbon dioxide rich uh, drink and many people ask me how are you getting such high fizz in your kombucha because it is not possible for the other companies to get that kind of fizz. Okay. Our fizz are so strong that we have experienced when we were doing the initial batches, our bottles exploding, you know. So we have a very good uh, acetobacter and glucobacter then we have the lactobacillus that we have within our kombucha is really nice because you see the kind of scoby that it forms the turbidity it forms is because of the lactobacillus and this is why these three major strains of bacteria and then within them many other strains is our usp that we should be promoting into the market and telling the market why our kombucha is a very very highly biotechnologically developed product not found in the market otherwise yes doctor Th yes thank you. Uh, thanks to thanks doctor savera excellent uh, yeah thank you thank you mr doctor ranjan thank you to doctor savera to savera to have some uh, closing words from you also so please share us uh, kombucha many people ask now sir he different different flavor mein aata hai now we can see ginger kombucha raha hai now some people is coming with uh, you know lemon kombucha aur uh, so now dxn ka plan kya hai in future uh, are we going to come with a different variant of kombucha absolutely you know uh, talking about variants i think the first one the classic one has done its job of becoming the baseline education system through which we will be able to use the other superheroes okay so the superheroes that are coming would be all in the herbal drink uh, one of the uh, kombuchas that is coming is the butterfly pea kombucha uh, trust me it is so amazing it adds a little more taste so this kombucha will be specifically made with the butterfly pea flowers and it will be very good for the eyesight so, plus for the brain, it's a nootropic drink, uh, very, very good for the uh, you can say the nervous system. Then we have uh, another uh, kombucha that is coming. We have finished the trials and we will be launching is from the saffron kombucha. So, kesar kombucha. This is very, very good for the skin because it's going to help to maintain your skin glow. Everything that kesar was supposed to do now with the becoming fermented uh, kesar drink, it basically enhances and speedens up the uh, process of working on the skin then we have herbal kombuchas that are coming that are good for the stomach with the pacholi kombucha then we have uh, the kombucha that is coming with uh, you know uh, other herbs for specific conditions for diabetes then we are going to go into that some for the heart so we are going to have kombucha which will become a career a carrier for all other herbs to be processed and to be sent into your system so that you get the optimum health. So, yes, a big pharmacy is about to open within the kombucha. Kombucha revolution is what DXN wow. is going to bring about. Yeah, wow, wonderful doctor. So, uh, that means uh, we, uh, one information we also want to give to the viewers. I think. Uh,

yeah because the kombucha what i saw in uh, 10 years before in europe and at the time it was around 600 rupees now it will be around 1500 rupees one bottle of kombucha whereas we are getting for peanuts we are getting for 115 rupees one kombucha its uh, nothing doctor so thank you for the technology and in house production dr lim has given in sindhipet the big production house what it is given and uh, which has uh, helped to reduce the cost to the maximum now all the viewers should use take use make use of this one बिकॉज नाउ वी आर नॉट ओनली है वो स्ट्रेन वो क्या बैक्टीरिया अंदर डालते हैं डीएक्शन में थर्टी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अंदर डालते हैं ये हमारा कंबुचा को बहुत जबरदस्त कंबुचा बनाता है नॉट ओनली ऑन द टेस्ट बट द इम्पोर्टेंट हीरोन इंपॉर्टेंट हीरो कंबुचा का है आवर आवर गट हेल्थ स्ट्रेस वेट मैनेजमेंट आवर स्किन एनहैंसमेंट ये सारी चीज सही रहेगा तब कंबुचा में सही स्ट्रेन रहेगा सही बैक्टीरिया रहेगा ये डीएक्शन गारंटी देता है डीएक्शन बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रेन इन अवर कंबुचा ये सारी चीज उसका ख्याल रख सकता है सो डॉक्टर स्मिता टू हैव ये क्लोजिंग वर्ड फ्रॉम यू ऑल्सो व्हाट इज योर पर्सनल एनकाउंटर विद कंबुचा एंड कंबुचा का पीने का तरीका क्या है ये ऐसे ही पीना चाहिए या ठंडा रखकर पीना चाहिए कैसा पीना है ओके okay. तो कंबुचा लेने का तरीका हर एक के ऊपर डिपेंड है जिसको चिल्ड कंबुचा पसंद है वो चिल्ड ले सकता है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हम कंबुचा ले सकते हैं और लोगों का मुझे बहुत सारे मैं जब सेशन लेती हूं तब क्वेश्चंस आते हैं कि कंबुचा uh, का बॉटल uh, कितने दिन में खत्म कर सकते हैं तो मुझे यही फिर से uh, सबको कहना है कि कंबुचा अगर आप ओपन करते हो तो विद इन वन आवर टू टू आवर्स आपको वो खत्म करना है वो रख के नहीं रखना है ओके okay? क्योंकि अगर एक बार आप ओपन कर लेते हो तो एक दो घंटे के अंदर आप कंज्यूम करें uh, जैसे आप खाने के साथ जैसे सर ने कहा कि आप खाने के साथ भी जैसे पानी की बॉटल रखते हो वैसे आप कंबुचा की बॉटल खाने के साथ ले सकते हैं और कम्बुचा लेने का कोई भी टाइम नहीं है आप किसी भी टाइम में ले सकते हो खाने के पहले बाद में या फिर आप स्नैक्स टाइम में ले ले तो कंबुचा का कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है और दूसरा कंक्लूडिंग पॉइंट है कि हमारे पास गट हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए और एक बहुत अच्छा ड्रिंक है जिसका नाम है एलो एलोविटा वो भी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है उसमें मेन कंटेंट एलोवेरा है और एलोवेरा आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि वो लीवर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि सारे एंजाइम्स हमें लीवर से मिलते हैं लीवर हमारा मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा हेल्प करता है तो डाइजेशन का इश्यू अगर हो रहा है तो आप कंबुचा और एलोविटा दोनों भी एक साथ ले सकते हैं और उसके साथ हमारे पास त्रिफला भी बहुत अच्छा है गट हेल्थ के लिए आमल की है मतलब बहुत सारे रेंज है हमारे पास प्रोडक्ट्स की आयुर्वेदा के हर्ब्स है ब्लैक क्यूमीन है तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी आप शामिल करें आपके गट हेल्थ अच्छा रखने के लिए तो कंबुचा डेली कंज्यूम करना ही है जैसे मैंने डाइजेशन एक्सप्लेन करते वक्त कहा था कि सप्त धातु बनने के लिए ट्वेंटी एट डेज लगते हैं तो मिनिमम जिसका डाइजेशन अच्छा है उसके न्यूट्रिय सप्त धातु की तरफ पहुंचने के लिए ट्वेंटी डेज लगेंगे लेकिन हम में से किसी ना किसी को प्रॉब्लम्स रहती ही है इन डाइजेशन की या फिर डायटरी हैबिट्स हमारी उतनी अच्छी नहीं है तो कंबुचा आप मिनिमम नाइनटी डेज डेली कंज्यूम करें और अगर आपको और कोई भी तकलीफ है समस्या है तो उसके साथ हमारे बाकी प्रोडक्ट्स भी ऐड करें और आप रिजल्ट हमारे साथ जरूर शेयर करें डॉक्टर स्मिता सो नोटर सो 90 डेज कंबोचा यूज करें तो एटलीस्ट आपका सारी दातु ठीक रहेगा अदरवाइज डॉक्टर स्मिता से आपको दात पड़ेगा ये, ये ये और एक चीज डॉक्टर स्मिता आपने बहुत सही बोला है इट्स नॉट ओनली फॉर ए समर ड्रिंक सिर्फ समर ड्रिंक नहीं है जो समर में छील करके पीते हैं ये विंटर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गट हेल्थ सिर्फ समर के लिए नहीं है विंटर के लिए भी है समर के लिए भी है रेनी सीजन के लिए भी है नॉन रेनी सीजन के लिए भी है सारी क्लाइमेट के लिए खम्बुचा बहुत इंपॉर्टेंट है समर में आप छिल करके पियो

लॉस था वेट लॉस था ये सिर्फ लॉस सिर्फ वेट लॉस नहीं था दिस वॉज एक्चुअली फैट लॉस द बॉडी लॉस फैट फ्रॉम हिस्स बॉडी सो वेन वी सॉ द बीसीए रिपोर्ट दैट इज बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस सो वी सॉ दैट ही लॉस समवेयर अराउंड टू पॉइंट फाइव टू थ्री परसेंट फैट फ्रॉम द बॉडी यानी जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है उसका लॉस हुआ जस्ट विद द एडिशन ऑफ कंबुचा इन द डायट सो ऑल आई टू से फ्रॉम दिस इज की इतनी बिजी हो जाती है कि हमको लगता है कि जब तक हम कुछ मुश्किल काम नहीं करें ना तब तक हम हमारे हेल्थ गोल्स अचीव नहीं कर सकते यानी जिम करना है सैलेड खाना है बोरिंग खाना खाना है तो ही हम हमारे हेल्थ गोल्स अचीव कर सकते हैं बट द पॉइंट इज समटाइम्स जस्ट डूइंग अ वेरी इजी थिंग गोइंग गेटिंग योर कंबुचा एंड हैविंग इट डेली फॉर 90 डेज 120 ट्वेंटी डेज जो भी आपका गोल हो

बेस्ट हर्ब्स है ज्ञानोडर्मा कॉर्डिसेप्स नोनी स्पाइरुलिना लायंस मेन और आयुर्वेदिक ऑल दिस प्रोडक्ट जो नॉर्मल इंसान एक्सेस नहीं कर सकता है ये सारी चीज का बंडर डीएक्सन है सारी बेस्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दुनिया में सारी बेस्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स डीएक्सन का साथ है और इसे आजम करने के लिए खम्बुचा एक बेहतरीन एक प्रोडक्ट है सो so एवरीडे आप बिरयानी खा लो जो भी खाते हो बट कंबुचा जरूर खा लो उसका साथ साथ सो दैट आपको गिल्ट नहीं रहेगा आज मैं थोड़ा ज्यादा खा लिया थोड़ा ज्यादा खा लिया थोड़ा ज्यादा पी लो ओके okay? को पी पी ठीक है सो 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 आप ज्यादा तो पी लेते हो इट विल हेल्प फॉर योर डाइजेशन लॉट ऑफ थिंग्स ओकेर नॉट ओनली फॉर डाइजेशन आपका गुड बैक्टेरिया माइक्रोबियम को बैलेंस रखना और पूरा जी ट्रैक स्ट्रेस लेवल वेट मैनेजमेंट और आपका स्किन इतने सारे बेनिफिट है सिर्फ कंबुचा से सो so, जितने भी व्यूअर्स है ये इंफॉर्मेशन है डेफिनेटली शुरू करो आप घर से आप खुद से शुरू करो बिफोर यू गोइंग टू द मार्केट यूज खम्बुचा फॉर यूर सेल्फ एंड आप जितने भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको बताओ खम्बुचा पहले वो यूज करें उनको मॉनिटर करो एक महीना दो महीना तीन महीना देन साथ ही साथ कैन गिव इट टू रिटेल मार्केट में चले जाओ बिकॉज ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है नॉर्मली ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है इंडिया में ये एक यूनिक प्रोडक्ट है सो इसे मार्केट करना आपके लिए बहुत आसान है जैसे ज्ञानोडरमा पहले आया था डीएक्स एक ही कंपनी था लेकर आया इंडिया में सो फैक्टर wow इतना अच्छा प्रोडक्ट कहां से आ गया है ऐसे ही कंबुचा है इतना बड़ा मार्केटिंग नहीं हुआ है इंडिया में और डीएक्सन का साथ एक बेहतरीन कंबुचा हमारे पास है ये डेफिनेटली हमारा हेल्थ को भी ठीक रखेगा और हम सेवन करने का बाद जब हम बात करेंगे वो हमारा बोनस को भी ठीक रखेगा Okay, so we can uh, Mr. Rafi, I would like to ask uh, Dr. Savera uh, about uh, kombucha in children. Kombucha? In ch kombucha and children in ch taking, oh, children, uh, children, children, children taking children, kombucha. children. oh yeah. yeah kombucha in children uh, is amazing because this is the beginning where the gut is now getting colonized by good bacteria like uh, when a child is born the mother's milk becomes the source of the good bacteria that comes from the mother to the child similarly at a very early age when we introduce kombucha to children you're actually preparing his gut with these good bacteria the earlier we start, the better for the children. Because children, you cannot stop them from taking the uh, junk food and all those things. But having somebody to manage that within your gut, so whatever they eat, the uh, the you know the cleansing process, the digestive process works on. Remember, the gut's patency is very important that the gut remains patent, and that can only happen if bacteria there can digest the sugars and the starches and produce the carbon dioxide. So the gut remains patent, and the motions are there. And at a very early age, when we introduce kombucha to children, their emotional being, their well being in terms of the feelings and the growth that happens is altruistic, you know, is completely different. And uh, that is why, in the ancient civilization, introducing fermented drinks to early in children has been the culture so that the gut also develops as the normal brains develop. So, for children, I can tell you we had one um, autistic uh, child, uh, almost 13 years old and this autistic child had a lot of issues in terms of his hyperactivity. Uh, he was very angry, agitated. so uh, the mother was introduced with kombucha. she's a doctor, an mbbs doctor. Uh, and when she introduces, introduced kombucha to this child who had this habit of drinking other fizzy drinks, within two or three days, the child became more calmer. he was able to pass stools well. he became more relaxed. he slept well. His all his hyperactivity had reduced almost by eighty percent. This means that when the gut is okay in children, the children are more focused in their studies. They will be able to deliver what they are supposed to deliver without getting distracted and their mind wandering here and there. Doctor, Dr. Savera, is there any limit which is recommended for the children? No, to as a age you of fourteen years absolutely no you know as i told you it's an absolutely safe drink to be consumed uh, and we have done this i can tell you over a period of one year i personally have you know given it to within the family members within friends friend circle and even through the clinic we have introduced it to many people and children also it's an absolutely safe drink to be given even to kids at even a very, very early age. That's what I'm saying. Even a two, three-year-old kid, rather than drinking any other fizzy drink, if this is the drink that drinks he drinks, I'm sure it's going to benefit him much more. Yes, Doctor. Yeah, yeah. Thank you. Thank you, sir. I Can clarify you. You. On it. Dr. Smita, this, uh, kombucha, Is it uh, diabetic safe? Yes. Uh, diabetes patients, uh, kombucha <laughs> <laughs> बहुत लोगों को ऐसा होता है कि ये उसमें शुगर है राइट तो जैसे सर ने कहा था कि फर्मेंटेशन प्रोसेस जैसे होता है वैसे वो शुगर कंटेंट कम होता जाता है और ये जो शुगर कंटेंट है वो जो स्कोबी है उसके अंदर वो स्कोबी का फूड है प्रोसेस बढ़ता रहे चलता ही रहे उसके लिए वो शुगर है और मेरे आ, क्लिनिक में भी बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो कंबुजा डेली कंज्यूम करते हैं इवन लीवर डिसीजेस के भी पेशेंट लीवर डिसीजेस में भी बहुत मुझे डाउट्स आते हैं कि वो लेना चाहिए लीवर डिसीजेस के पेशेंट भी ये लेते हैं लाइक फैटी लीवर है या फिर लीवर का कोई भी क्रॉनिक डिसीज है वो भी ये ले सकते हैं तो डायबिटिक पेशेंट्स भी डायबिटिका ले सकते हैं अगर आपको स्वीटनेस नहीं पसंद जैसे जब कंबुचा के लिए फर्मेंट होता है तो उसका कलर चेंज होता है या फिर गोभी का साइज चेंज होता है तो आप वो देख के भी ले सकते हैं वो थोड़ा कम स्वीट होगा राइट तो वो आप ले सकते हैं तो ऐसे आप डायबिटिक पेशेंट को कंबुचा दे सकते हैं रफीक, डायबिटीज yeah, देखो सोचो वो बैक्टीरिया खास प्रोग्राम ही ऐसा किया है कि वो शक्कर को खा के उसको कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है वो प्रोग्राम ही वैसा है वो वाला बैक्टीरिया जब तुम्हारे गट में जाएगा वो क्या करेगा वो आपके गट के अंदर की जितना भी शक्कर है उसको खाना शुरू करेगा उल्टा ये इतना इफेक्टिव है कि शक्कर वाली हर चीज को खाएगा तो वो फिर जैसे फैला ने कहा फैट वो फैट भी कुछ नहीं है फैट इज नथिंग बट प्रोसेस्ड शुगर्स जो बॉडी स्टोर करता है कि जब वो यूज नहीं होता है, तो शुगर को फैट बोल के स्टोर करता है तो फैट को भी खाता है लिवर लिवर कुछ नहीं करता लिवर ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है इसीलिए जिसके अंदर ये गुड बैक्टीरिया होता है तो लिवर के प्रॉब्लम्स भी उसके सॉल्व होने जा लगते जहां पे ये शुगर होता है और याद रखना कि शुगर बेस बनता है हर इन्फ्लेमेशन का इसलिए ये बैक्टीरिया जब अंदर जाता है तो शुगर और शुगर रिलेटेड एवरी अदर कंडीशन में ये हेल्पफुल करेगा इंक्लूडिंग डायबिटीज या या सो थैंक थैंक यू यू वेरी मच डॉक्टर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था नाउ इट इज वेरी क्लियर ये इट्स हंड्रेड परसेंट सेफ फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स ओके थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रंजन फॉर योर टाइम डॉक्टर सवेरा डॉक्टर स्मिता एंड मिस फॉर योर वंडरफुल टाइम एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेश दिस शो इन फ्यूचर ऑल्सो

और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं लाइव सेशन ये यूट्यूब पे हमारे जो कंपनी का जो यूट्यूब चैनल है उस उसपे लाइव है उस उसपे रिकॉर्डेड है तो जैसा आपको किसी को बताना है या किसी को समझाना है तो आप उस लिंक को शेयर कर सकते हैं मीन्स किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं और जहां पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये लिंक इसीलिए रखे गए हैं ताकि आप उनको शेयर कर दे और उनके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर यहाँ से मिल जाएंगे और वो भी आपके साथ इस कंपनी का पार्ट बनेंगे और पीना स्टार्ट करेंगे और मैं तो हमेशा कहता हूँ हमारे अतिथि आता है तो हम लोग हमेशा कहते हैं अतिथि देवो भवा तो ये जो अतिथि देवो भवा इनको आज के बाद आपने कुछ नहीं पिलाना है आपने पिलाना है सिर्फ कंबुचा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको फिट और हेल्थी रहना है तो आपको डेली एक कंबुचा पीना चाहिए और जैसे डॉक्टर राजेश ने कहा कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के समय पर बहुत सारे लोगों को आदत होती है कोई चाय के साथ खाना खाता है ये कोई पानी के साथ खाना खाता है तो वहां पर उसको रिप्लेस करके आप कंबुचा के साथ इसको खाते पी सकते हैं तो जब पियेंगे तो आपका जो डाइट है वो भी आपका कंट्रोल होगा और उसके जो बेनिफिट है वो भी आपको मिलेंगे तो समझने की बात इन नो अच्छा कंबुचा मिल रहा है डीएक्सएन का ये वन ऑफ द बेस्ट कंबुचा है मार्केट में जितने भी ब्रांड्स हैं उनसे कहीं उमदा है और कहीं बेहतरीन है और ये किस तरीके से बन रहा है हमारे यहाँ पे इसका एक शॉर्ट वीडियो भी हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे सो डेट यू हैव स आपको एक विश्वास एक विश्वास में तब्दील हो कि आप जो रियशन का कंबुचा पी रहे हैं दैट इज सबसे बढ़िया आपको मिल रहा है तो माई टेक्निकल टीम कैन बी प्ले दीडियो ऑफ कंबुचा brewing vessel used for tea preparation steep tea powder in hot water add sugar and let the sweetened tea cool for fermentation observing kombucha culture scoby used for the next starter addition process introduce a rubbery scoby symbiotic culture of bacteria and yeast to the cooled tea to initiate the fermentation process cover container let scoby consume sugars for a week producing acids and carbonation after fermentation kombucha is filled into bottles which pass through a conveyor to the bottle rinser bottle rinser cleans and sanitizes bottles removing residues or contaminants before filling bottles move to the filling process accurately transferring kombucha to reach a 285 milliliters level while ensuring hygiene and efficiency. After filling, bottles move to the capping process, where caps are placed and sealed tightly with crown caps to ensure a secure and reliable seal. After capping, bottles pass through a high pressure shower tunnel to remove debris and excess liquid. Following water cleaning, bottles proceed to the air knife unit, where pressurized air expels through a narrow slot to dry off the bottle surface, removing excess liquid. After air drying, bottles undergo crucial visual inspection to detect defects. Irregularities, abnormalities, and foreign particles. Inspected bottles move to labeling, where descriptive labels with manufacturing details, expiration date, price, and batch code are adhered. After labeling, bottles move to bubble pouch packing for protection during transit. Inner carton box packing places four kombucha bottles for extra protection and structural integrity during transportation. Inner cartons are master packed. Placing four kombucha inner cartons into a large carton for streamlined handling and protection during transit. In strapping, a strap secures outer packing, preventing carton opening during transit and providing extra bottle protection. Final quality check ensures product meets standards, identifies issues, and ensures customer satisfaction before distribution. Each master box is stamped with a unique symbol for transportation obstacle avoidance. The final finished good will transfer to warehouse for before final dispatch. So, thank you. So, आप सभी ने देखा कि प्रोडक्ट कितनी हाई क्वालिटी के साथ आप तक पहुंचाया जा रहा है जहां पे किसी भी तरह का कोई एरर होने के चांसेस और संभावना बिल्कुल नहीं है तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट right? और मैं आप